स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे पनीर डोसे की रेसिपी बनाना सिखाने जा रही हूँ। पनीर डोसा भरा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, फटाफट बन करके तैयार हो जाएगा। पनीर की फिलिंग कैसे बनानी है ये सीख लीजिए और डोसे का बैटर तैयार कर लीजिए, तब तो आपका डोसा घर में बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ये इडली राइस लिया है, ये मोटा वाला चावल, इसको अच्छे से देख लीजिए, ये इडली राइस के नाम से मिलता है, पर इससे डोसा भी बहुत अच्छा बनता है और उत्तपम भी। तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये 3 कप करीब मेरा इडली राइस है और उसी कप से 1 कप मेरी ये धुली उड़द की दाल है और ये चने की दाल उसी कप से नाप से 1/2 कप। ये 3 चीजें लेकर के पहले आप इन्हें अच्छे से धो लीजिए और अलग अलग भीगने के लिए रख दीजिए। याद रखिए, अलग अलग भीगने के लिए रखना है। फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। अब इसे करीब आप 4 से 6 घंटे भीगने के लिए रख दीजिए, फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगी आगे क्या करना है। तो अब इन्हें हम 4 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। यदि मान लीजिए आपको कल सवेरे बनाना है डोसा, तो आप इसके लिए आज दोपहर में इसको भिगा दीजिए, फिर हम इसको बाद में रात में पीस के रख देंगे। तो चलिए भीगने देते हैं। देखिए ये भीगा हुआ है, इसको करीब करीब 6 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसे दूसरे बड़े बर्तनों में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि ये पानी पीने के बाद भी बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा जगह लेने लगते हैं, तो मैंने इन्हें बड़े बर्तनों में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब ये देखिए अभी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका ये ऊपर का पानी निकाल दीजिए और चावल को मिक्सी में हमें पीस लेना है। साथ ही मैंने इसमें और एक चीज़ तैयार करी है, वो है ये पोहा। तो ये हमें पहले से नहीं भिगा के रखना है, जब हम चावल दाल का ये मिश्रण तैयार करने जा रहे होते हैं, इसे पीसने जा रहे होते हैं, जब ही आप इसको बस 15-20 मिनट पहले 1 कटोरा पोहा जो मैंने पतला वाला है इसको पानी डाल करके भिगो दीजिए। 15 मिनट में ही ये भीग करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इन्हें धीरे धीरे पीस के लाते हैं। तो कैसे पीसना है इसको, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये ब्लेंडर जार लिया है, इसमें ही पीसेंगे हम। और ब्लेंडर जार में हम इसे इस तरीके से पानी छोड़ करके बाकी चावल निकाल पीसेंगे। इसमें बीच बीच में जरूरत पड़ने पे हमें जितना पानी चाहिए उतना पानी इसमें डाल करके, कम से कम मिनिमम पानी डाल करके इसको फाइन पेस्ट में हमें ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबको 1 by 1 पीस करके ही इसमें मिक्स करेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले चावल डाला है पीस करके। अब इसी बर्तन में हम ये उड़द की दाल भी इसी तरीके से महीन पीस लेंगे और उसके बाद में चने की दाल और साथ में ये पोहा, ये सब चीजें हम एक साथ पीस करके लाते हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ऊपर से नीचे पूरा हाथ से ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये बहुत ओवर मिक्स भी ना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करके हम 12 घंटे ढक करके खमीर उठने के लिए रख देंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसको जिस भी बर्तन में रखें
उसमें इसे आधा या आधा ही भरिए, क्योंकि ये खमीर उठने के बाद, इसमें फर्मेंटेशन होने के बाद में ये और ऊंचा आ जाएगा और आगे उठेगा, तो इसलिए उसमें पहले से जगह होनी चाहिए। तो आप अपना बर्तन हमेशा बढ़ा लीजिए। दूसरी बात जो ध्यान रखने की, वो ये कि इसे गर्म जगह पे रखिएगा ताकि इसमें खमीर जल्दी उठे। यदि आपके यहाँ सर्दियाँ हैं या फिर ठंडा है तो आप कैसरोल में गर्म रख सकते हैं, या फिर आप इसे माइक्रोवेव को ऑन करके खाली उसमें रख दीजिए। खाली लाइट जलनी चाहिए, उतने में भी हो जाएगा। तो इसे गर्म जगह पर या फिर धूप में भी आप रख सकते हैं, तो उससे भी जल्दी हो जाता है इसमें फर्मेंटेशन। तो चलिए इसे ढक करके रख देते हैं। ये हमारा बैटर तैयार है। ये देखिए काफी ऊपर आ चुका है, आपको थोड़ा सा फ्लफी दिख रहा होगा। अब हम इसको इस तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब क्या, ये देखिए इसके लिए क्या किया है मैंने, यहाँ पे ये ग्रेटेड पनीर ले लिया है। पनीर ला करके उसको ग्रेट कर लिया। आप चाहे तो पनीर घर में भी बना सकते हैं। घर में आप पनीर कैसे बना सकते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब हम इसमें मसाले में ऐड करेंगे यहाँ पे सफेद नमक थोड़ा सा, और साथ में काली मिर्च पाउडर। बस यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काली मिर्च जरा कम डालिएगा। बस यहाँ पे इसको देंगे हम एक अच्छा सा मिक्स, और ये मिक्स करके हमारा बिल्कुल फिलिंग तैयार है। अब क्या करना है, साथ क्या किया है इसके लिए मैंने, यहाँ पे ये बैटर मैंने यहाँ पे लिया और तवा गरम जो कर लिया है उसी के ऊपर एक कच्ची बैटर डाला और इसको इसी के पीछे से मैंने यहाँ पे फैला लिया है। कुछ लोग इसको कटोरी से भी फैला लेते हैं, पर मुझे इस तरीके से करछी से फैलाना ज्यादा पसंद है। और ये तो स्पेशल यहाँ पे मिलती है डोसा बनाने की चम्मच, ये वो ही है। यदि आपके यहाँ भी मिलती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर ये आपके यहाँ भी अवेलेबल है। देखिए हमने यहाँ पे डोसा डाल दिया है बैटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल पकने नहीं देंगे इसको, वेट नहीं करेंगे। छेद ऑलरेडी इसमें बनने शुरू हो चुके, होल्स बने हो शुरू हो चुके। अब ये जो हमने पनीर का यहाँ पे अपना फिलिंग तैयार किया था वो ही हम इस पे स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से खूब सारा पनीर डालेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर डोसा। जितना आपको पसंद हो उतना डालिए। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मैश करेंगे स्पून से। और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें ऑयल, और यहाँ पे इसको एकदम सिम गैस पे, एकदम यहाँ पे देखिए सिम गैस पे पकने देंगे। मैंने गैस थोड़ी सी तेज कर दी है ताकि हमारा डोसा क्रंची बने। ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो गया, इसका मतलब हमारा डोसा पक चुका है। चलिए हम इसको छुड़ा लेते हैं, ये ऑलरेडी छूट चुका है यहाँ से। आपको और लाल करना है तो इसको थोड़ी देर और रहने दीजिए, और यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तीन पार्ट में फोल्ड करते हैं हमेशा डोसे को। यहाँ से मैंने एक किया है और एक यहाँ से फोल्ड करेंगे। वाओ क्या कलर आया है इसका, उतना ही बेहतरीन ये टेस्ट में है। चलिए इसे सर्व करते हैं। मैंने यहाँ पे इसे सर्व किया है सांभर और नारियल की चटनी के साथ में। आप चाहे तो साथ में मूंगफली की चटनी भी बना सकते हैं, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने मूंगफली की चटनी बनाना सिखाई है, और ये नारियल चटनी और सांभर का वीडियो तो है ही, तो जब चाहे तब बनाइए खाइए। और ये देखिए बीच में पनीर, बाबा क्या कहने, पनीर लवर्स तो देख करके खुश हो जाएंगे। ये फिलिंग को एकदम टेस्टी है, ये गरम गरम है इसलिए मेरा हाथ चल रहा है दूसरी लेयर खोलने में। तो जब चाहे तब बनाइए खाइए, मजे लीजिए। धन्यवाद। आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूँ या फिर ना करूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।